भारत म्यांमार सीमा को लेकर एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या म्यांमार ने भारत पर एयर स्ट्राइक की या म्यांमार भारत से दुश्मनी चाहता है। अब इन तमाम सवालों पर ब्रेक लगा दिया है असम राइफल्स ने। दरअसल म्यांमार की सेना की तरफ से भारत के साथ लगती देश की सीमा पर एक विद्रोही कैंप पर कथित तौर पर बमबारी की गई और अब उसके दो दिन बाद असम राइफल्स का बड़ा बयान सामने आ गया, जिसमें दावा किया गया कि हवाई हमलों के दौरान मिजोरम की तरफ से कोई विस्फोट नहीं हुआ था। कुछ स्थानीय नेताओं ने दावा किया था कि एयर स्ट्राइक के दौरान एक गोला मिजोरम के चम्फाई इलाके में जा गिरा था। दरअसल भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करने वाले असम राइफल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी देश में कई विस्फोट हुए थे। चम्फाई जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामने आ रहे सभी दावों और जानकारी को अच्छे से जांच परख के बाद ही इस मामले में आधिकारिक बयान दिया जाएगा। चम्फाई के उपायुक्त जेम्स लाल रिंचन ने कहा कि मैं कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से किए जा रहे दावों की पुष्टि के लिए संबंधित क्षेत्र के एक मजिस्ट्रेट को भेजा है। वेरिफिकेशन होने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। म्यांमार ने विद्रोही कैंप पर एयर स्ट्राइक की, भारत की तरफ भी गिरे बम। पर लाल रिंचन ने कहा कि एक बम मिजोरम की तरफ तियाऊ नदी के पास गिरा था। विस्फोट में ग्राम सभा के एक सदस्य का एक ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा ने पड़ोसी देश के सबसे शक्तिशाली जाति विद्रोही समूहों में से एक चीन नेशनल आर्मी के सैन्य मुख्यालय कैंप विक्टोरिया पर कथित तौर पर हवाई हमले किए थे। मिजोरम में सीएनए के एक नेता ने नाम उजागर नहीं करने के अनुरोध पर बताया कि हमले में दो महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत भी हुई और 15 अन्य लोग घायल हो गए। तो वहीं भारत और म्यांमार के बीच तियाऊ नदी को बॉर्डर के तौर पर माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब म्यांमार की सेना बॉर्डर के पास बमबारी कर रही थी तो बम की आवाज़ सुनकर नदी के पास काम कर रहे ग्रामीण अपने घरों में भाग गए। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की थी। इसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इस दौरान म्यांमार की नेता आंग सान सू की और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद देश भर में लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। भारत और म्यांमार 1640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार की सीमा भारत के नागालैंड और मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से मिलती है। अब असम राइफल्स के बयान के बाद ये साफ हो गया कि भारत में किसी तरह की कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई। आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।